वेलकम टू एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स. दिस इज एसएसटी एडुपीडिया एंड आई एम असिस्टेंट टीचर अक्सा नाइक. इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू सी टू टॉपिक्स. नंबर वन, बोटैनिकल गार्डन्स एंड नंबर टू, म्यूजियम. बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द मेन टॉपिक्स लाइक बोटैनिकल गार्डन्स एंड म्यूजियम्स, प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा देख लेते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं. टैक्सोनॉमिकल एड्स का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था एंड उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स को कंप्लीट किया था एंड दैट वाज हर्बेरियम. डू यू रिमेम्बर? हर्बेरियम हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था. तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर फर्स्टली विद द बोटैनिकल गार्डन्स. बोटनिकल गार्डन्स होते क्या है? सी, बोटनिकल गार्डन्स, बोटनिक अगर हटा दूं यहाँ पर तो गार्डन्स, सबको पता है गार्डन्स क्या होते हैं ना, हम सब विजिट करते हैं गार्डन्स में. तो बोटनिकल गार्डन क्या होता है? अब यहाँ पर बोटनिकल गार्डन्स क्या है? तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ गार्डन्स को साइंटिफिकली जो अरेंज करके मैनेज करते हैं उसे हम लोग बोटनिकल गार्डन्स कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन. स्पेशलाइज्ड मतलब अब कोई स्पेशल चीज आ जाएगा क्या? नो. स्पेशलाइज्ड गार्डन मतलब हम लोग प्लांट्स को यहाँ पर प्रॉपरली साइंटिफिकली मेंटेन करेंगे, तो स्पेशलाइज्ड गार्डन हो गया. ओके, देन प्लांट्स आर ग्रोन इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक इन अ इन वीवो मैनर. अब ये इन वीवो क्या होता है? सी चिल्ड्रन, देर आर टू टर्म्स, इन वीवो एंड इन विट्रो. इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द नेचुरल हैबिटेट. तो जब यहाँ पर बोटैनिकल गार्डन्स में हम लोग प्लांट्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं. इन विट्रो नहीं कर रहे, मतलब प्लांट खुद से ही फर्टिलाइजेशन करेगा, उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नेचुरली होगा एंड उसका न्यू जनरेशन भी नेचुरली ही प्रोड्यूस होगा. इन विट्रो क्या होता है? इन विट्रो जहाँ पर हम लोग टिश्यू कल्चर यूज करते हैं, प्लांट का कोई पार्ट लेकर उसे नया प्लांट जब डेवलप करते हैं तो उसे हम लोग इन विट्रो कहते हैं. बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? साइंटिफिकली हम लोग प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं इन अ इन वीवो मैनर. इन वीवो मैनर मतलब हम लोगों ने प्लांट्स को वहां पर अरेंज कर दिया, हम लोगों ने प्लांटेशन कर दिया. अब वो प्लांट जो है अपने जनरेशन को, अपनी न्यू प्रोजेनी को नेचुरली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा खुद से. तो यहाँ पर कोई टिश्यू कल्चर नहीं है, कोई लेबोरेटरी मेथड नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इन वीवो. तो पॉइंट नंबर वन, बोटैनिकल गार्डन्स आर स्पेशलाइज्ड गार्डन. व्हाई सो? बिकॉज वी आर प्लांटिंग द प्लांट्स हियर इन अ साइंटिफिक मैनर. साइंटिफिक मैनर में हम लोग प्लांट्स को प्लांट करेंगे एंड कौन सा मेथड है? इन वीवो मेथड. इन वीवो मेथड का मतलब क्या होता है? इन वीवो मतलब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू फर्टिलाइजेशन एंड प्लांट का प्रोजेनी जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो नेचुरली प्रोड्यूस होगा बिना किसी टिश्यू कल्चर के. ओके, लेट्स स्विच टू द थर्ड पॉइंट. अब जो प्लांट्स यहाँ पर ग्रो किए जाएंगे बोटैनिकल गार्डन्स में वो कैसे होंगे? वेल लेबल्ड होंगे. अब लेबल्ड क्या है? क्या होगा लेबलिंग? किस चीज का किया जाएगा? तो प्लांट्स के ऊपर प्रॉपर उनके साइंटिफिक नेम्स अलोंग विद द कॉमन नेम्स एंड देयर फैमिली. तो प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है और उसका कॉमन नेम क्या है, ये सब कुछ प्रॉपरली प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं हम लोग? लेबल्ड करते हैं. और ये सब चीजें हमें कहाँ मिलेगी? यस, हमें ये सारी चीजें मिलेगी इन द बोटैनिकल गार्डन्स, राइट? तो पॉइंट नंबर वन, बोटैनिकल गार्डन्स आर स्पेशलाइज्ड गार्डन. पॉइंट नंबर टू, प्लांट को हम लोग साइंटिफिकली क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं. कौन से कंडीशन में? इन वीवो कंडीशन में, नेचुरली. प्लांट्स को हम लोग लेबल करेंगे एंड लेबल जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या इंफॉर्मेशन होगा? नंबर वन, कॉमन नेम, देयर साइंटिफिक नेम्स एंड उनकी फैमिलीज. ये सब हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिस्प्ले करते हैं. जैसे कि मैंगो, मैंगो कॉमन नेम लिख दिया, लाइक इंग्लिश नेम इज मैंगो. अगर वो महाराष्ट्र के किसी बोटैनिकल गार्डन में तो वी मस्ट राइट अम्बा ओवर देयर. अगर हम लोग हिंदी यूज करें तो इट वुड बी आम एंड वहां पर हम लोग साइंटिफिक नेम मेंशन करेंगे मैंजीफेरा इंडिका. सो मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का कॉमन नेम होता है, वहां पर हम लोग वो भी मेंशन करेंगे. इसे कहते हैं बोटैनिकल गार्डन्स, राइट? वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन. अब हम लोग बात कर रहे हैं बोटैनिकल गार्डन्स बहुत सारे हैं, तो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट एंड लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन जो है इट्स रॉयल बोटैनिकल गार्डन विच इज प्रेजेंट इन इंग्लैंड.
एट द प्लेस ऑफ कीव. तो रॉयल बोटानिकल गार्डन जो है कीव में इंग्लैंड में है. यू कैन सी द पिक्चर. तो दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन. वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन जो है दिस इज रॉयल बोटानिकल गार्डन. इंडिया का लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन कौन सा है? तो इंडियन बोटानिक गार्डन इट इज प्रेजेंट इन हावड़ा एंड कोलकाता. तो कोलकाता में जो है हावड़ा के प्लेस पर जो है इंडियन बोटानिक गार्डन है जो सबसे बड़ा इंडिया का बोटानिकल गार्डन है. एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दैट. तो दिस इज द इंडियन बोटानिक गार्डन जो इंडिया का लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है. ओके तो क्या क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पर? सबसे पहले हम लोगों ने देखा बोटानिकल गार्डन्स. बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड गार्डन है जहाँ पर साइंटिफिकली हम लोग प्लांट्स को ग्रो करेंगे इन वीवो मेथड. प्लीज डू रिमेम्बर दिस वर्ड इन वीवो. इन वीवो मतलब क्या होगा? इनसाइड द बॉडी इन द नेचुरल कंडीशन. ओके विदाउट इन्वॉल्विंग एनी टिश्यू कल्चर. प्लांट्स जो भी यहाँ पर होंगे वो कैसे होंगे? वेल लेबल्ड होंगे. प्लांट का इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या होगा? ऑलरेडी अवेलेबल होगा. साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, किस फैमिली को बिलोंग करता है एंड सो ऑन. दो बोटानिकल गार्डन्स देखे हम लोगों ने. वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन कीव इंग्लैंड में है एंड सेकेंड हमारे इंडिया का. सो हियर इंडियन बोटानिक गार्डन जो हावड़ा कोलकाता में है. ओके अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द न्यू नेक्स्ट टॉपिक. सेकेंड टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज म्यूजियम. अब म्यूजियम तो आप सबने देखा है ना? हम लोग वी डू विजिट म्यूजियम. सबको पता है म्यूजियम क्या होता है? ऐसा प्लेस जहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स क्या करते हैं? डिस्प्ले किए जाते हैं. उसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूजियम कहते हैं. अब अगर मैंने बोल दिया एनिमल्स, प्लांट्स अगर डिस्प्ले कर रहे तो मतलब ओरिजिनल होगा क्या वहाँ पर? नो. आर दे लिविंग? नो. वहाँ पर डेड रेमेंट्स, डेड बॉडीज या फिर जो स्टफ्ड बॉडीज जो है डिस्प्ले की जाती है. नॉट ओनली दिस, अगर मैंने बात की साइंटिफिक म्यूजियम्स की तो हम लोग वहाँ देख सकते हैं अलग अलग स्केलेटन्स को, राइट? देन उसके बाद हम लोग शेल्स को देख सकते हैं या जो भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो, मैक्रो, ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी शोकेस्ड इन द म्यूजियम. तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं म्यूजियम का क्या बनता है. तो म्यूजियम का डेफिनेशन होता है म्यूजियम्स आर द प्लेसेस वेयर कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स. प्रिजर्व प्लांट्स, डू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर में हर्बेरियम में हम लोगों ने पढ़ा है. हर्बेरियम क्या होता है? जहां पर हम लोग प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं. ड्राई प्रिजर्वेशन, डू यू रिमेम्बर? यस. तो प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर केप्ट. तो एनिमल स्पेसिमेंस, तो अगेन एनिमल्स को भी प्रिजर्व करके वहां पर क्या रखा जाता है? म्यूजियम्स में रखा जाता है. तो म्यूजियम्स आर दी प्लेसेस वेयर द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर केप्ट. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूजियम. प्रिजर्व प्लांट्स कैसे? बाय द मेथड ऑफ हर्बेरियम. तो चलिए देखते हैं एनिमल्स को कैसे प्रिजर्व करेंगे. तो प्रिजर्वेशन मेथड स्टार्ट करते हैं जो म्यूजियम्स में हम लोग देख सकते हैं. तो फर्स्ट प्रिजर्वेशन मेथड जो है हमारे पास, हम लोग अब जो है एनिमल बॉडीज को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रिजर्व करने वाले हैं. इसको हम लोग कहेंगे प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन. अब ये प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसमें केमिकल होता है एंड द नेम ऑफ द केमिकल इज फॉर्मेलिन. केमिकल का नाम क्या है? फॉर्मेलिन होता है. 10-40% ऑफ फॉर्मेलिन, जिसको हम लोग फॉर्मल डिहाइड भी कह सकते हैं, इसके सॉल्यूशन के अंदर एनिमल्स एंड प्लांट्स की बॉडीज को क्या करते हैं हम लोग? एक ट्रांसपेरेंट जार में रख देते हैं. नॉट प्लांट्स, एनिमल्स. एनिमल्स की बॉडी को एंड समटाइम्स फ्यू प्लांट्स को वी कैन केप्ट इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. तो नंबर वन प्रिजर्वेशन मेथड में हमारे पास क्या है? प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन. व्हाट्स दिस प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन? प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेलिन व्हिच कंटेन्स 10-40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड दिस सॉल्यूशन वी नीड टू फिल इन द ट्रांसपेरेंट जार्स. ट्रांसपेरेंट जार्स में हम लोग उस सॉल्यूशन को फिल करेंगे एंड उसको लेबल्ड करेंगे. क्या लेबल करेंगे? उस ऑर्गेनिज्म का नेम, उसकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन. सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर. यू माइट बी सीन दिस पिक्चर इन योर 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो. अपने 10th स्टैंडर्ड में भी ये पिक्चर, आई मीन आपने तो लाइव जार्स हम लोगों ने अपने 10th स्टैंडर्ड में लेबोरेटरीज में देखा है, राइट? तो सेम थिंग म्यूजियम में भी
प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में, प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन के अंदर जो है एनिमल्स को दे कैन कीप. तो दिस आर फ्यू जार्स जिसमें एनिमल्स है एंड यू कैन सी द सॉल्यूशन इज देयर एंड द सॉल्यूशन इज नथिंग बट द फॉर्मेलिन. ओके, तो फर्स्ट प्रिजर्वेशन मेथड कंप्लीट किया हम लोगों ने. व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन मेथड? इट इज प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन जिसमें फॉर्मेलिन है, 10-40% फॉर्मल्डिहाइड जिसका प्रॉपर केमिकल नेम है. हम लोग ट्रांसपेरेंट जार्स में इसको फिल करेंगे एंड उसमें जो भी एनिमल है हमारे पास उसको जो है हम लोग प्रॉपरली प्रिजर्व करेंगे अलोंग विद द लेबलिंग. मतलब जो एनिमल आपने रखा है उसको आप क्या करोगे, लेबल भी करोगे. वेल, चलिए सेकेंड प्रिजर्वेशन मेथड देखते हैं. अभी सेकेंड वन इज टैक्सीडर्मी. अब ये टैक्सीडर्मी क्या होता है, समथिंग न्यू नो. तो टैक्सीडर्मी एक ऐसा मेथड है जहाँ पर एनिमल्स की स्किन में, एनिमल के फर्स के अंदर स्टफिंग की जाती है. स्टफिंग लाइक कोई भी स्टफ मटेरियल जो है उसके अंदर ऐड किया जाता है एंड वो एनिमल को प्रिजर्व करते हैं. जैसे आपने देखा होगा म्यूजियम में लायंस, टाइगर्स, ऑलरेडी वो स्टैचूज नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली क्या होते हैं, ओरिजिनल, दैट दे आर एक्चुअल, द एक्चुअल वंस दे आर. तो एक्चुअल स्किन में, फर में उनके क्या की जाती है, स्टफिंग की जाती है अलग अलग मटेरियल की एंड उसको प्रिजर्व किया जाता है. यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ डियर इज देयर. तो दिस इज एक्चुअली अ रियल डियर एंड इसके अंदर जो है स्टफिंग की गई है अलग अलग मटेरियल की एंड इसको हमें डिस्प्ले किया जाता है म्यूजियम में. तो सेकेंड प्रिजर्वेशन मेथड इज टैक्सीडर्मी. टैक्सीडर्मी क्या होता है, जहाँ पर लार्जेस्ट एनिमल्स के अंदर उनके स्किन में, उनके फर्स में जो है ड्राई करने के बाद उसमें अलग अलग मटेरियल की स्टफिंग करके उससे क्या किया जाता है, शोकेसिंग किया जाता है. दैट इज कॉल्ड अ टैक्सीडर्मी. ओके, दो मेथड्स कंप्लीट किए. लेट्स स्विच टू द थर्ड वन. अब हो गया, अब थर्ड पे आते हैं, इंसेक्ट्स पे आते हैं. इंसेक्ट्स को कैसे हम लोग प्रिजर्व करेंगे? तो इंसेक्ट बॉक्सेस यू कैन सी इन द म्यूजियम. म्यूजियम में थर्ड चीज आपको देखने क्या मिलेगी, इंसेक्ट बॉक्सेस. अब ये इंसेक्ट बॉक्स क्या होता है, तो इंसेक्ट्स क्या होती है, जहाँ पर हनी बीज, बटरफ्लाइज, ग्रास होपर्स, कॉकरोचेस है ना, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं. इनका क्लास होता है इंसेक्टा. तो क्लास इंसेक्टा के जितने भी एनिमल्स है अगर हम लोगों को उसे म्यूजियम में शो करना है, उनको प्रिजर्व करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इंसेक्ट बॉक्स बनाएंगे. इंसेक्ट बॉक्स में क्या किया जाएगा, इंसेक्ट बॉक्स में इंसेक्ट को किलिंग एंड पिनिंग. अब किलिंग एंड पिनिंग क्या है, तो ऑलरेडी वो किल्ड है. पिनिंग मतलब स्मॉल नेल्स जो है उसको जो है फिक्स करने के लिए यूज करते हैं. तो यू कैन सी दिस इज वन पिक्चर ऑफ द इंसेक्ट बॉक्स. यू कैन सी ह्यूज वराइटीज ऑफ बटरफ्लाइज आर देयर एंड सबको जो है पिन करके उनके नीचे लेबल करके प्रॉपरली उन्हें डिस्प्ले किया जाता है. ओके, तो दिस वॉज द थर्ड मेथड ऑफ द प्रिजर्वेशन और शोकेसिंग इन द म्यूजियम. तो पहला क्या देखा हम लोगों ने, फर्स्ट प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस देखे हम लोगों ने, फॉर्मल्डिहाइड. सेकेंड हम लोगों ने टैक्सीडर्मी सीखा. टैक्सीडर्मी क्या होता है, लार्जर एनिमल्स के अंदर पर्टिकुलर स्टफ को जो है डाला जाता है स्किन में ह्यूमन एनिमल्स की एंड उसको शोकेस किया जाता है. एग्जाम्पल लायन, टाइगर, डियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इंसेक्ट बॉक्सेस में क्या होगा, इंसेक्ट द प्रॉपर इंसेक्ट को पिन करके बॉक्सेस के अंदर शोकेस किया जाता है अलोंग विद द लेबल्स. इसके अलावा जो हमें म्यूजियम्स में मिलता है हमें और क्या मिलेगा, तो म्यूजियम्स में वी कैन ऑल्सो सी शेल्स एंड स्केलेटन. तो या सिस्टमैटिक कलेक्शंस ऑफ शेल्स एंड स्केलेटन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स कैन बी सीन इन द म्यूजियम. तो म्यूजियम्स में हमें जो है सिस्टमैटिक कलेक्शन भी मिल सकता है किसका, शेल्स का. शेल्स आपको पता है ऑलरेडी, और स्केलेटन मतलब जो बोन्स है एनिमल्स की. डायनासोर्स एक टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, नाउ दे आर एक्सटिंक्ट, दे आर वैनिश्ड फ्रॉम द अर्थ. कैसे पता चला, उनके बोन्स से. और डायनासोर्स दिखता कैसे है, जैसे मैंने डायनासोर बोला आपके ब्रेन में एक बड़ा सा एनिमल है ना, आपका ब्रेन एक बड़ा सा एनिमल का इमेज दे देता है. तो क्यों, बिकॉज हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअली डायनासोर किसी ने नहीं देखा है, हम लोगों ने बोन्स को क्या किया, सिस्टमैटिकली अरेंज किया, पीपल को शो किया इन द म्यूजियम एंड उसके हिसाब से हमें आइडिया मिला कि वंस अपॉन ए टाइम डायनासोर शायद ऐसे दिखता था. तो यस ऑफकोर्स म्यूजियम में हम लोगों को और क्या मिल सकता है, वी कैन सी शेल्स एज वेल एज द स्केलेटन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन द
म्यूजियम, ठीक है। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, म्यूजियम से स्टार्ट किया। म्यूजियम में हम लोगों ने देखा कि म्यूजियम एक ऐसा प्लेस है जहां पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली शोकेस किया जाता है, प्रिजर्वेशन मेथड को फॉलो करके उन्हें शोकेस प्रॉपरली किया जाता है। प्रिजर्वेशन मेथड में फर्स्ट हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोगों ने, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस देखे। सेकेंड हम लोगों ने देखा टैक्सीडर्मी। थर्ड हम लोगों ने देखा इंसेक्ट बॉक्स क्या होता है। एंड फाइनली और क्या देख सकते हैं हम लोग म्यूजियम्स के अंदर, वी कैन सी शेल्स एंड डिफरेंट स्केलेटन्स ऑफ द एनिमल्स। तो ये सब हम लोग म्यूजियम्स में देख सकते हैं एंड डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करके हम लोग उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा नंबर वन बोटैनिकल गार्डन्स। बोटैनिकल गार्डन्स में क्या करते हैं हम लोग, प्लांट्स को साइंटिफिकली जो है मेंटेन करते हैं इन विवो मेथड को फॉलो करके। बोटैनिकल गार्डन्स हम लोगों ने दो एग्जाम्पल्स देखे, एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन एंड सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा, इंडियन, वन एग्जाम्पल वी हैव सीन अबाउट इंडियन बोटैनिकल गार्डन। एंड सेकेंड जो हम लोगों ने आज देखा इट इज म्यूजियम, है ना। म्यूजियम होता क्या है, उसके उसमें जो है एनिमल्स एंड प्लांट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है एंड हम लोग क्या क्या म्यूजियम में देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।